नमस्कार, जय श्री राम। और मैंने काफी देर बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ये एक्चुअल में वीडियो स्पेशली है उन लोग के लिए जो बिजनेस पर्सन हैं और इस कोविड के दौरान में काफी परेशानी से जूझ चुके हैं, और जो लोग कोविड के दौरान बहुत सारी परेशानियां उन्होंने देखी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, उनके व्यापार में रुकावट हो या बहुत नुकसान हो, जिन्होंने ऑलरेडी झेला है इस चीज को। देखिए, कोविड के वजह से सिर्फ एक ऐसी कंपनी नहीं है या कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई एक ऐसी सरकार नहीं जिन्होंने प्रॉब्लम झेली है। सामान्यतः सब लोग को ये प्रॉब्लम हुई है और समस्या काफी बड़ी भी हुई है। लोगों ने मुझे मेल डाला था और मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर, इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस इन रशिया, कैन वी? ऑफकोर्स यस, बट देयर इज सम टर्म एंड कंडीशंस। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो रियल में बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी कोई ना कोई कंपनी है, फर्म है यहां पर, वो अपने फर्म को वहां पे एज इट इज चलाना चाहते हैं और एक अपनी ब्रांच ऑफिस खोलकर उस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, उन लोग के लिए स्वागत है। एक लोग और हैं जो ये चाहते हैं कि मैं अपने इंडिया की सारी बिजनेस बंद कर दूं, सारे यूनिट्स बंद कर दूं और जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको उठा के बाहर के देश में इन्वेस्ट कर दूं। उन लोग के लिए मैं बिल्कुल बना करूंगा और ये कहीं ना कहीं गलत होगा। जो लोग इंडिया में ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, देखिए इंडिया में मैं दो लोग को काफी हेल्प करता हूं। हालांकि मेरे पास जो क्वेरीज आई हैं, मैं खुद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हूं, तो नंबर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नंबर दो आईटी इंडस्ट्री। जो लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हो, चाहे सर्विस से हो, चाहे एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग से हो, उन लोगों के लिए थोड़ा ऑप्शन है इस समय। और इस समय पूरी दुनिया में, इवन मैं इस टाइम रशिया में हूं तो रशिया के बारे में बताऊंगा, फिलहाल ये ऑप्शन सिर्फ रशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ऑप्शन है, तो ये काफी बेहतर है। जो लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं वो अपनी एक यूनिट यहां खोल सकते हैं, इंटरनेशनली उसको आप सर्टिफाइड करवा सकते हैं, एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और इंटरनेशनली आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दैट यू हैव अ वन ऑफिस इन मॉस्को सिटी इन रशिया। देखिए, ये देश क्यों महत्वपूर्ण है, हम सब ने पढ़ा है और हम सब जानते भी हैं कि जब सोवियत संघ था, जब रशियन एम्पायर था, तो पूरी दुनिया में एक समय के लिए ऑटोमन एम्पायर के बाद में रशिया ने एक छत्र राज किया। बहुत सारे उसने युद्ध लड़े, अफगान वार के बाद कुछ ऐसा समय आया जब सोवियत का विघटन हुआ 19 के दशक में। तो कहते हैं कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए पर वो शिकार नहीं छोड़ता, कुछ ऐसी ही बात है रशिया की भी। आज रशिया की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी भी हो, आज यहां का डिफेंस पूरे दुनिया को आंख दिखाता है, अमेरिका से सीधे आंख में आंख डालने की हिम्मत रखता है, अपनी क्षमता पूरे दुनिया में स्टेबल रखता है और कहीं ना कहीं भारत के साथ एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता भी है। तो बात यह आती है कि भी अगर हम इंडियन हैं और रशिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैंने बैचलर इन फार्मेसी किया हुआ है और मैं किसी एक बड़ी कंपनी में काम करता हूं और साथ के साथ मैंने एक छोटा सा अपना मर्चेंट एक्सपोर्टर का यूनिट शुरू कर दिया है। अब इसमें फैक्ट्स को समझना होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग जो लोग हैं वो समझते हैं इन चीजों को, कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है हर देश में, हर इंडस्ट्री के लिए है। आप चाहे चीनी का उत्पादन अगर देश में होता है तो उसका भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, आप आईटी इंडस्ट्री से हैं उसका भी है, फार्मास्यूटिकल है उसका भी है। तो आप सबसे पहला चीज क्या है कि किसी भी देश में जाने से पहले अपने देश की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़िए। अब हमारे देश में फार्मेक्सिल है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आप उनके साथ अगर जुड़ते हैं, मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, आप उनके साथ जुड़ते हैं, आपकी कोई कंपनी है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड लीजिए, आप उनके साथ जुड़िए, दिस इज फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ओनली, आप उनके साथ जुड़िए। पूरे देश दुनिया में उनकी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, आप उनके साथ पार्टिसिपेट कीजिए। देश में भी ऐसी योजनाएं हैं जो आप लोग को सपोर्ट करती हैं, सब्सिडाइज प्रोग्राम है, आप उनके साथ जुड़िए। उसके बाद आप जब उस देश के प्रति, जहां पर आप जाना चाहते हैं, एक आध बार आप विजिट कीजिए, उस
उसका एनवायरनमेंट समझिए, आप बिजनेस के लिए आपकी सरकार खुद मदद करेगी। पर दो तरह के बिजनेस के लिए मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि आप दो तरह का बिजनेस कर सकते हैं। एक ये हुआ कि आप अपने बिजनेस का ब्रांच खोल रहे हैं, दूसरा ये हुआ कि आप एक बिजनेस का दरवाजा शट डाउन करके दूसरी जगह पर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अभी फार्मास्यूटिकल पे चल रहा हूं। इस समय इंडिया ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी तीर मारे हैं, यह हकीकत है। भारत सरकार ने डिप्लोमेसी की है, आपकी वैक्सीन डिप्लोमेसी, पूरे दुनिया को उन्होंने दवाइयां दी है, बहुत अच्छा छवि बनाया अपने देश का पूरे विश्व स्तर पर, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, एक जो बैड न्यूज मेरे व्यक्तिगत मैं तौर पर अगर मैं बताऊं जो मुझे बुरा लगा, जो सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर है श्री पूनावाला जी, उन्होंने ब्रिटेन में 1,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि मेरे पास फैक्ट एक्चुअल मेरे पास रिपोर्ट नहीं है कि भाई कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। देखिए ये चीज कहीं अच्छी लगती है कहीं बुरी लगती है। जब आप इंडिया में एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो आप सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं होते हैं, उस देश की इकोनॉमी के एक स्तंभ होते हैं आप, कहीं ना कहीं देश को आप सपोर्ट कर रहे होते हैं। वहां पर आपकी कंपनी के साथ में हजारों लोग जुड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके कंपनी के लिए काम भी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है अपने देश के प्रति। मैं उन लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो कहते हैं कि मैं भाई बिजनेस बंद करके मैं पूरे देश में शुरू करूंगा, सब कुछ यहाँ क्लोज कर दूंगा। ऑलरेडी एक रनिंग बिजनेस बंद करने के साथ साथ में आप ये सोचिए कि उन लोग की सामान्य जिंदगियों को भी आप जो रनिंग चल रही है उनको भी बंद कर रहे हैं, ये एक बुरा प्रभाव पड़ता है और एक समझे जिम्मेदार नागरिक की यह स्वभाव भी नहीं है कि आप ऐसा करें। दूसरी बात यह आता है कि भाई आपके पास बिजनेस है, आप सेटअप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। रशिया एक बहुत बड़ा देश है, सबको पता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा आपको यहाँ मिलेगा। टैक्सेशन सिस्टम डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कि टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, आप आईटी इंडस्ट्री से हैं वो आप सर्विस में आते हैं, आप फार्मास्यूटिकल में हैं वहां पर दो भी चीजें हैं, एक सर्विस है एक मैन्युफैक्चरिंग भी है। मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई प्लांट बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ये भी नहीं है कि आप सर्विस में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, भी लॉन्ग प्रोसेस नहीं, भी लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस पे रिस्ट्रिक्शंस है किस पे नहीं है, नींद की पिल्स होगी, आपकी दर्द की पिल्स होगी, इन सब पिल्स में बहुत सारे आपके पास नशीले पदार्थ मिलाना पड़ते हैं, जरूरी होता है इसके लिए। तो बहुत सारी दवाइयाँ जो लोग गलत चीज़ों में इस्तेमाल करती हैं उन ड्रग्स को बैन भी किया गया है, तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बहुत सारी आपको पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट करने तक डिलीवरी करने तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। आप अपना ब्रांच खोल के यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं तो आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास यहाँ पर डीप नॉलेज चाहिए यहाँ के बारे में, आपके पास अच्छी स्किल और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि रशिया जैसी कंट्री में आपको बिजनेस करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको सबको पता है, आपको अंग्रेजी भाषा आता है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बताऊं कि अगर आप ये समझते हैं कि आपको अंग्रेजी भाषा आती है और आप रशिया में सर्वाइव कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, क्योंकि रशिया एक ऐसा शक्तिशाली देश है जो अपनी भाषा को बहुत महत्व देता है। और ये रशियन जो भाषा है सिर्फ यहाँ नहीं, आसपास के देशों की भी मैं बात करूं, 8-10 देशों की बात करूं, यूरोप में भी आपका पोलैंड हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे तक आपका हो गया, और इधर आपका यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, आपका आर्मेनिया हो गया, इधर अजरबैजान तक, मंगोलिया तक, कर्जिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो एम्पायर उनका हुआ करता था जब ये ऑटोमन के बाद इन्होंने जब ऑक्यूपाई किया वहां पर, तो इन्होंने रशियन भाषा को इतना इम्पोज कर दिया लेनिन के टाइम पर कि लोगों के अंदर उस भाषा की एक क्या कहते हैं उसको, दिल से उनके अंदर लगाव हो गया। अगर इनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी है तो अवॉइड करते हैं कि अंग्रेजी भाषा में ना बोलना पड़े, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आईटी मार्केट की। आईटी इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं देश के लिए सम्मान की अनुभूति कराई है हमें। तो इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे और आपको आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और बहुत जल्दी आपको नया वीडियो उपलब्ध कराएंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस किस तरह से आप रशिया में सेटअप कर सकते हैं और उसे वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रिमोटली या प्रेजेंट होकर यहाँ पर। फिर मिलते हैं आपसे दोबारा एक नए वीडियो के साथ, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये बहुत आवश्यक काम है आपके लिए भी। नमस्कार।